हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, है ना। एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यू कैन राइट दिस, आप लिख सकते हो, एन इक्वेशन consisting of trigonometric functions such as sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, cosec theta, sec theta of unknown angles is called trigonometric equation. For example, बच्चों क्या है एग्जाम्पल trigonometric function का, trigonometric equations का? जैसे sin theta plus 1 equal to 0, 2 cos theta plus minus 1 equal to 0, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 10 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है बच्चों ऐसा इक्वेशन, आप लोग जानते हैं इक्वेशन क्या होता है ना, जिसमें इक्वालिटी का साइन रहता है, जिसमें इक्वल का साइन रहता है, उसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रजेंट हो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अब हर एक इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अननोन जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल होगा वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। पहचान लो इस टाइप का इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रजेंट हो ऑफ अननोन एंगल्स का, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब बच्चों उसके बाद जो बात आती है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों जो अननोन एंगल्स का वैल्यू होगा, अननोन एंगल्स का वे सभी वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। यू कैन राइट दिस, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच सेटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आप वीडियो को पीछे करके बार बार इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू, एक इक्वेशन हमने लिया साइन थीटा इक्वल टू 0, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये थीटा का जितना भी वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही होगा सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो आप लोग को पहले बता चुका हूं कि साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से, या तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। तो ये जितना भी है, ये जितना भी एंगल थीटा का जो भी वैल्यू आया, जितना भी आया, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा बच्चों, ठीक है। अब बात आती है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब सॉल्यूशन देख सकते हो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो एंगल का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट है, मतलब मैनी वैल्यूज हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं। तो यहाँ पर अब ये डिस्कशन होने लगा कि हम लोग आंसर कौन सा बताएंगे, किस फॉर्म में आंसर बताएंगे, क्या सारा लिखना पड़ेगा, और सारा लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना, 5π 6π ये इन्फिनिटी तक जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, पहला क्या चीज मैं बोला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन,
पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग को एंगल्स का वही वैल्यू लेना है जो 0 से 2π के बीच में है। मतलब आप लोग जानते हो कि यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ एंगल पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है 2π। तो वन राउंड में जो वैल्यू आएगा, वन कंप्लीट राउंड में जो ठीक ठाक का वैल्यू आएगा, मतलब 0 से 2π के बीच में जो वैल्यू होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन? थीटा शुड बी फ्रॉम 0 to 2π। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। मतलब देखो, कोई भी इक्वेशन गिवन रहेगा तो आपको बताया गया कि थीटा का बहुत सारा वैल्यू होगा जो एक गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? तो सारे सॉल्यूशंस को, सारे वैल्यूज को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि जब भी ऐसा सिचुएशन कहीं भी होता है तो हम लोग कुछ प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करते हैं हमेशा, और उस वैल्यू को, उस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो एंगल्स 0 से 2π के बीच में रहा, 0 से 2π के बीच में रहा, उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट? एक तो तरीका यही है कि हम सारा वैल्यू निकाल लें और देख लें जो 0 से 2π के बीच में है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। जो 0 से 2π के बीच में है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बाकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कंसिडर नहीं होगा बच्चों, ठीक है? तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, चलो इसको देखते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप्स टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। स्टेप टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है देखते हैं। सबसे पहला काम बच्चों, कोई भी इक्वेशन गिवन रहेगा, है ना, जैसे मान लेते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग वैल्यू गिवन है ए। अब ये कैन बी एनी रियल नंबर, ए का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट आपको करना क्या है, सुनिए, आपको ये करना है पहला स्टेप में कि लेट कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ ए। मतलब अगर ये माइनस में भी रहा तो प्लस में लेंगे, जो वैल्यू है वो माइनस में रहा तब भी प्लस में लेंगे। एंड फाइंड द फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज अल्फा, विच इज एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल होगा, अल्फा फाइंड आउट कर लेना है। और अल्फा क्या होगा, वेयर अल्फा? अल्फा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, मतलब 0 से लेकर π/2 के बीच का वैल्यू। एंड देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यूज क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ गिवेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एच। कैसा यूज करना है, देखो आपने अल्फा निकाल लिया, अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो गिवेन है वो अगर साइन पे डिपेंड करता है, प्लस है या माइनस, तो अगर मान लो कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इक्वल टू अल्फा होगा। मतलब ये थीटा आपको निकालना, मतलब जैसे एंगल यहाँ मान लेते थीटा, ये थीटा है, सपोज दैट ये थीटा, आपको थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू 2π माइनस अल्फा। अल्फा इज एक्यूट एंगल, आप जान रहे हो अल्फा क्या है, एक एक्यूट एंगल है। चलो बच्चों इसको ना और बढ़िया से हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान दें कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है,
और आपसे बोला ठीक ठाक क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक ठाक क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है। चलो माइनस में ले लिया, माइनस वन बाई टू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि साइन अल्फा मान लिया वन बाई टू, देखो प्लस में मान लिया, पहला काम देखो मॉड ए, मतलब मॉड लेंगे माइनस वन बाई टू का तो प्लस वन बाई टू होगा, तो साइन अल्फा इक्वल टू वन बाई टू। साइन अल्फा, ये साइन का कितना का वैल्यू वन बाई टू होता है, 30 डिग्री यानी पाई बाय सिक्स, तो साइन पाई बाय सिक्स लिखा, और अल्फा का वैल्यू आ गया बच्चों पाई बाय सिक्स। अल्फा का वैल्यू पाई बाय सिक्स आया। अब एक चीज देखो, जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन थीटा, जो साइन थीटा गिवन है वो नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा इज नेगेटिव। और साइन थीटा नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, साइन थीटा नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, दैट इज कह सकते हैं ना कि साइन थीटा लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। अब थर्ड और क्वाड फोर्थ में साइन थीटा लाई कर रहा है, ये साइन जो है थर्ड और फोर्थ में जा रहा है, तो थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा हमारा पाई प्लस अल्फा और टू पाई माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टू पाई माइनस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ चुका है पाई बाय सिक्स, तो पाई प्लस पाई बाय सिक्स एंड टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स। तो ये आ गया बच्चों सेवन पाई बाय सिक्स, और ये आ रहा है 11 पाई बाय 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वो माइनस में भी दिया है तो उसको प्लस में मान लेंगे और फिर अल्फा निकाल लोगे, और ये जो गिवन इक्वेशन रहेगा ओरिजिनल वो आपको देख लो कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्लस और माइनस, एंड आफ्टर दैट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट जो अभी आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसका, ठीक है बच्चों, कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जैसे सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन है ये कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये कॉस है ना नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो वैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन वन मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है कॉस तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में, तो लाइज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो बच्चों इसको हम लोग अगर मान लें साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा वो प्लस में रूट थ्री बाई टू, कॉस अल्फा प्लस में माना, तो कॉस जो है रूट थ्री बाई टू किस एंगल पे होता है, पाई बाय सिक्स पे, तो अल्फा हो गया पाई बाय सिक्स के बराबर, अल्फा हो गया पाई बाय सिक्स के इक्वल, क्योंकि कॉस अल्फा रूट थ्री बाई टू के इक्वल है, तो अल्फा पाई बाय सिक्स के बराबर आया। अब ये जो है ये थर्ड सेकेंड और थर्ड में लाई कर रहा है, तो सेकेंड में थीटा जो होता है वो पाई माइनस अल्फा होता है, और थर्ड में पाई प्लस अल्फा, तो थीटा आ गया हमारा पाई माइनस पाई बाय सिक्स कोमा पाई प्लस पाई बाय सिक्स। तो यहां से बच्चों जो थीटा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 5 पाई बाय 6 और इधर से आ रहा है 7 पाई बाय 6, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ओके बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों को कि tan 2x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। अब आपको x निकालना है, यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो टेन देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो टेन पॉजिटिव कहाँ रहता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। ये टेन टू एक्स इक्वल टू वन बाय रूट थ्री है, जो पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट और थर्ड में होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनो बच्चों, मैंने क्या किया कि टेन अल्फा ये टू एक्स की जगह अल्फा लिया और ये वन बाय रूट थ्री। अब टेन कितना का वैल्यू वन बाय रूट थ्री होता है बच्चों, टेन 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू वन बाय रूट थ्री होता है, तो ये अल्फा आ गया पाई बाय सिक्स।
तो आप देख रहे हो कि ठीक ये जो एंगल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट और थर्ड में है, क्योंकि पॉजिटिव है 10, तो फर्स्ट और थर्ड में जाएगा। तो फर्स्ट में जो 2x होगा वो डायरेक्ट अल्फा के इक्वल होगा, डायरेक्ट अल्फा के इक्वल, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा के इक्वल होगा। तो 2x आ गया हमारा, डायरेक्ट अल्फा मतलब अल्फा का वैल्यू पाई बाय 6 और पाई प्लस पाई बाय 6। तो यहां से बच्चों 2x बराबर आ रहा है पाई बाय 6 और इधर से 7 पाई बाय 6, ठीक है। तो x क्या आएगा, x देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो पाई बाय 12 आएगा और इधर 7 पाई बाय 12। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बच्चों आई थिंक आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने सीख गए होंगे, है ना, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो और बढ़िया से कर लो। अब दूसरा इक्वेशन का बात होगा बच्चों, जनरल सॉल्यूशन, मतलब एक आपने अभी तक देखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, आप लोगों ने देखा बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन देखो, जनरल का मतलब ये हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ एन विच फॉलोज द पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों आप लोग जानते हो कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, सारे फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक नेचर ऐसा है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक सेम वैल्यू देगा आफ्टर या फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है तो उसका वैल्यू एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते रहता, ठीक है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी साइन जो है 0 वैल्यू देगा, लेकिन बहुत सारे एंगल पे, जैसे 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं कि साइन जो है वो एक ही वैल्यू एक टाइम इंटरवल के बाद बार बार दे रहा है। तो वैसे फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये जो साइन फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसे इस टाइप के नेचर वाले फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा कि वो जितना भी सॉल्यूशन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, अभी आप लोग को समझाया कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो सारे सॉल्यूशन को हम नहीं लिख सकते हैं, तो उस सभी सॉल्यूशन के जगह पे एक हम लोग जनरल आंसर लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे जो इंटीजर के फॉर्म में होगा, जो किसके फॉर्म में होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, और वो सभी सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। तो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, तो आप लिख सकते हो बच्चों, मैं बोल रहा हूं आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एन वेयर एन इज इंटीजर एंड वे सेटिस्फाइज द ऑल द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो जैसे अब हम लोग बात करेंगे कि सर किस टाइप का इक्वेशन रहा तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जब साइन थीटा 0 के बराबर होगा, बच्चों साइन थीटा 0 के बराबर होता है तो आप लोग को पता है थीटा 0 प्लस माइनस पाए प्लस माइनस 2 पाए प्लस माइनस 3 पाए प्लस माइनस 4 पाए एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे सॉल्यूशन, अभी भी बहुत सारे सॉल्यूशन हम नहीं लिखे, इनफाइनाइट तक जाएगा इस तरह से। तब क्या हुआ कि लोगों ने सोचा साइन थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा बराबर ये सभी एंगल्स हैं, तो सभी आंसर को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो लोगों ने क्या किया एक जनरल फॉर्म में इसको लिख दिया। और कैसे लिखा, देखो ये 0 है, यहाँ देखो पाई है, पाई में क्या मल्टीप्लाई है 1 और -1, यहाँ पाई है, इस पाई में +1 +2 और -2 मल्टीप्लाई है,
यहाँ प्लस थ्री माइनस थ्री अब मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस फोर माइनस फोर मल्टीप्लाई, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि पाई में इंटीजर मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो लोगों ने क्या किया, इसके जगह पे सारे वैल्यू के जगह पे लिख दिया एन पाई और एन लिख दिया बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो एन बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मतलब आई, आई क्या होता है बच्चों कि सारा प्लस माइनस वाले नंबर सभी जीरो वन टू वगैरह सब। देखो ये वैल्यू इंटीजर अगर तुम यहां रखते जाते हो इसमें एन के जगह पर तो ये सभी वैल्यूज मिलेगा। तो इस तरह से साइन थीटा बराबर जीरो है तो थीटा बराबर एन पाई एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। यही हमारा क्या होता है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन होता है, इसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसी तरह बच्चों अगर कॉस थीटा है इक्वल टू जीरो तो कॉस जीरो होता है कहां पर, 90 डिग्री प्लस माइनस पाई बाई टू पे, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू पे, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू एंड सो ऑन। आपको बताया गया था कि नहीं कि x एक्सिस पे साइन जीरो होता है, टेन जीरो होता है, इस एक्सिस पे साइन और टेन दोनों जीरो होता है, ये चीज आपको बताया गया था, और इस एक्सिस पे कॉस जीरो होता है, इस एक्सिस पे कॉस जीरो होता है और कॉट भी जीरो होता है। तो x एक्सिस को हमने बोला था n पाई एक्सिस और y एक्सिस को बोला था 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू एक्सिस। या तो आप जानते हो कि y एक्सिस पर जो एंगल होता है ऊपर प्लस पाई बाई टू तो नीचे माइनस पाई बाई टू, नीचे 3 पाई बाई टू ऊपर माइनस 3 पाई बाई टू, तो ये सारे एंगल्स जो हैं वो y एक्सिस में आता है बच्चों। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि पाई बाई टू में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऑड इंटीजर हो रहा है, 1 3 5 आगे 7 होगा। तो ऑड नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में, 2n प्लस 1 और इंटू पाई बाई टू मल्टीप्लाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कभी cos थीटा इक्वल टू जीरो होगा बच्चों तो थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि ये सारे वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को बच्चों। आप देखो tan थीटा इक्वल टू जीरो, तो देखो साइन और tan x एक्सिस पर ही जीरो है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर बच्चों। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि साइन थीटा अगर जीरो है, कॉस थीटा जीरो है और एक बच्चों टेन थीटा जीरो है, तो साइन जीरो है तो थीटा जो एंगल होगा वो एन पाई, कॉस जीरो है तो एंगल होगा टू एन, एंगल जो होगा बच्चों वो टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, और अगर बच्चों टेन जीरो है तो अगेन एंगल जो होगा वो एन पाई के इक्वल होगा, वेयर एन क्या चीज है हमारा इंटीजर है, एन हमारा इंटीजर है बच्चों। तो आपको ये चीज लर्न रखना है, इसको याद रख लेना है, इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, तो अभी जो आपने फॉर्मेट देखा कि साइन जीरो के बराबर, कॉस जीरो के बराबर, टेन भी जीरो के बराबर, अब कोई जरूरी नहीं ना कि साइन का वैल्यू जीरो ही होगा, कॉस का जीरो वैल्यू होगा, टेन जीरो होगा। अब आगे हम लोग अगर सोचो कि ये जीरो के जगह कोई नंबर रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस टाइम उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं। तो चलो इसको भी समझते हैं बच्चों, आपको इसको लर्न रखना है, इस चीज को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया अभी है ना। चलिए आगे देखते हैं, जैसे बी पार्ट बच्चों, कल को मान लीजिए हम लोग को एक ऐसा सिचुएशन मिला कि साइन थीटा इक्वल टू ए एंड ए का जो वैल्यू होगा वो माइनस वन से प्लस वन तक ही होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू कहां से कहां होता है, माइनस वन से प्लस वन होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू ए तो ए का वैल्यू होगा माइनस वन से प्लस वन, है ना। तो अब यहां से थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इस ए को मान लिया साइन अल्फा, यानी कहने का मतलब ये जो ये है साइन अल्फा का वैल्यू है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा बच्चों। अब यहां से हम लोग को जनरल सॉल्यूशन यानी थीटा निकालना है, तो अगर देखो कैसे ड्राइव कर लें, कहां से निकालें, ये साइन अल्फा इसको मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया, तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। अब यहां मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी थीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो। तो
तो यहां से बच्चों देखो cos थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो हो रहा है और sin थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो अब देखो बच्चों cos अगर जीरो के बराबर होता है तो एंगल जो होता है, जो एंगल होता है जैसे यहाँ एंगल थीटा प्लस अल्फा बाई टू है वो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू होता है जब cos जीरो होता है, और जब sin जीरो होता है तो एंगल जो होता है वो n पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो ये 2 कैंसिल हुआ और थीटा इक्वल टू आ जा रहा है यहाँ से 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से देखो थीटा आएगा बच्चों 2n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पर देखो ये दो दो आंसर आ रहे हैं तो इन दोनों को अपन कंबाइंड करके, इन दोनों को कंबाइंड करके एक आंसर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू अल्फा वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब कहोगे सर ये वाला कैसे लिखा, तो आप देखो पाई के साथ इवेन मल्टीप्लाई और जब इवेन है तो प्लस है, तो एन का वैल्यू जब इवेन लोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ भी इवेन नंबर बन जाएगा, जैसे एन का मान टू लिया तो टू पाई बना, टू पाई बना मतलब किस में जाएगा इधर, और यहाँ अगर इवेन मल्टीपल ऑफ पाई है तो यहाँ देखो प्लस है, तो एन का मान अगर हमने टू लिया तो देखो माइनस वन का पावर टू प्लस वन हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइन थीटा इक्वल टू, यानी ध्यान ये रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कभी आप लाते हो तो थीटा इक्वल टू लिखोगे एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर अल्फा। इसी प्रकार बच्चों हम लोग कॉस टेन के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टीमेटली देखो हम लोग को फार्मूला याद रखना है तो मैं फार्मूला लिखते रहूँ और वो देखो क्या होगा, देखो बच्चों क्या आएगा है ना, बी पार्ट। अगर बच्चों साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन आप याद रखना थीटा, ये अल्फा जो है नॉन एंगल है, अल्फा जो है बच्चों वो नॉन एंगल है, नॉन एंगल्स जो हम लोग को पता रहेगा। तो अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है तो अननोन एंगल थीटा जो होगा वो एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू अल्फा आएगा, वेयर एन जो है इंटीजर है, वहाँ एन क्या है इंटीजर। अभी हमने इसको ड्राइव किया। इसी तरह बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू अगर कॉस अल्फा रहा तो थीटा इक्वल टू होगा बच्चों टू एन पाई जो ड्राइव करके आएगा प्लस माइनस अल्फा। हम लोग को डेरिवेशन नहीं आता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो कभी भी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा आया आपका तो थीटा इक्वल टू लिखोगे टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर बच्चों टेन थीटा बराबर टेन अल्फा लाया आपने तो थीटा इक्वल टू आएगा बच्चों एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एक ये टाइप। एक और फार्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर साइन स्क्वायर अल्फा आता है, और इसको भी ड्राइव उसी तरह किया जाएगा, इसको इधर ले आओ फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस साइन अल्फा होगा है ना। चाहे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाए या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा आ जाए, देन बच्चों इन सभी केसेज में जो थीटा होगा वो क्या होगा, जो थीटा होगा वो आएगा बच्चों एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, और बच्चों टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें ये तीन टाइप का सिचुएशन आएगा, कभी साइन बराबर जीरो आ जाएगा, कभी कॉस बराबर जीरो आ जाएगा, या तो साइन बराबर समथिंग आएगा तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे साइन बराबर ये आया तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, कॉस बराबर समथिंग है तो इस फॉर्म में लाएगा, मतलब इस फॉर्म में आया अगर तो जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। अल्फा आपका नॉन एंगल होगा और अगर दोनों तरफ स्क्वायर आ गया तो सभी के लिए तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखो बच्चों कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा है तो आपको फैक्टर के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। जैसे एक बताते हैं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो है। अगर आपसे एक्स पूछता है तो आप क्या करते हो,
इसको फैक्टराइज करते हैं ना, एक मेथड होता है ना, फैक्टराइज करते हैं इसको, और इसको फैक्टराइज करते हैं तो x माइनस थ्री आएगा और x माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा। फिर आप क्या करोगे, इस फैक्टर को जीरो के इक्वल करोगे और इधर से भी इस फैक्टर को जीरो के इक्वल करोगे और आप एक्स का वैल्यू निकालो कि एक्स बराबर थ्री और यहाँ से एक्स बराबर टू। तो सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होगा, देखो सॉल्व करने का मैं बता रहा हूँ टेक्निक कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको फैक्टर के फॉर्म में चेंज करो, कन्वर्ट करो फैक्टर फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में क्या करो, कन्वर्ट करो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को और इच फैक्टर को जीरो के बराबर करो, और जीरो के बराबर करोगे तो ये बी सी वाला जो टाइप है इसमें से कोई एक सिचुएशन आपको जरूर मिलेगा और वहां जैसे मिलेगा आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे बच्चों मान लो मिल गया आपको टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव साइन थीटा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। देखो बच्चों ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों होगा क्या, इसको फैक्टराइज करते हैं तो थ्री टू जा सिक्स, तो टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिक्स साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यहां से बच्चों देखो कॉमन आ जा रहा है टू साइन थीटा इन दोनों से, यहां बच गया साइन थीटा और प्लस यहां पर थ्री, इन दोनों से माइनस वन कॉमन आ रहा है तो साइन थीटा प्लस थ्री इक्वल टू हो गया बच्चों जीरो। तो टू साइन थीटा माइनस वन और इंटू साइन थीटा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। देखो ये इस फॉर्म में था, ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये कन्वर्ट हो गया फैक्टर के फॉर्म। अब हम लोग इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो टू साइन थीटा माइनस वन बराबर जीरो कर दिया और इधर बच्चों साइन थीटा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो किया। तो यहां से साइन थीटा आ रहा है वन बाई टू। देखो जीरो आता तो डायरेक्ट लिख देते थीटा इक्वल टू एन पाई, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू एक नंबर आया तो अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए इस 1 बाई टू को साइन के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों साइन के फॉर्म में लिखेंगे, ताकि ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के फॉर्म आपको दिखने लगे। तो यहां पर बच्चों जैसे साइन थीटा इक्वल टू आपका आया है 1 बाई टू, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स। क्यों जानते हो साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू 1 बाई टू होता है। और बच्चों साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो अभी आपने पढ़ा थीटा इक्वल टू होता है एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू अल्फा एंड दिस इज द अल्फा, तो अल्फा पाई बाय सिक्स वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां से थीटा का वैल्यू ये आया, एक आंसर ये हो गया। चलो देखते हैं यहां से आंसर आता है क्या, तो साइन थीटा इक्वल टू यहां हो जा रहा है माइनस थ्री, जो बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस वन से वन होता है, लेकिन ये जो वैल्यू आया माइनस वन से कम है इसलिए ये नहीं होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर के आएंगे, वैसे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल्स और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।